फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का मिशन इम्पॉसिबल शुरू कर दिया है। एक दल को काबुल से निकाल भी लिया गया है, लेकिन बाकी बची भारतीयों को निकालने में कितनी बड़ी चुनौती है, यह हम काबुल से वापस लौटे लोगों की आपीति के जरिए समझाएंगे। तालिबान ने अपनी राजधानी काबुल से कंधार शिफ्ट कर दी है और अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी पूरी कर ली है। इस पूरी तैयारी में ही एक मिस्ट्री छिपी है। मिस्ट्री यह है कि कोई ना कोई देश ऐसा है जो तालिबान का टीचर बना हुआ है। उस देश की साजिश का आज खुलासा करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान का अधिकतर इलाका तालिबान के कब्जे में, लेकिन इस देश का एक कोना ऐसा भी है जहां जाने से तालिबान भी डरता है। उसी पंजशीर ने एक बार फिर तालिबान के खिलाफ अंगड़ाई ली है। आज हम आपको बताएंगे कि इस इलाके में हर किसी ने मात ही क्यों खाई है, और फिर फिक्र करेंगे आधी आबादी की अफगान महिलाओं में किस कदर दहशत है, इसका एक वीडियो दिखाएंगे, और महिलाओं को लेकर तालिबान की कथनी करनी में फर्क भी समझाएंगे। एक ऐसा अत्याचार जिसको लेकर पूरी दुनिया खामोश है। फिक्र उन 3 करोड़ लोगों की जो पिछले 4 दिनों से ना तो ठीक से खा पी रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की चिंता दिन ब दिन बढ़ती हो जाती है, क्योंकि जिस तालिबान ने कल मीडिया के सामने आकर यह भरोसा दिलाया कि यह बदला हुआ तालिबान है, उदार तालिबान है, जिसने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं, जिसके राज में महिलाओं को भी शरिया के मुताबिक आजादी रहेगी, उसी अफगानिस्तान से रोती बिलकती महिलाओं और आम नागरिकों पर बर्बरता की तस्वीरें आ रही है। महिलाएं अमेरिकी फोर्सेस से मदद की गुहार लगा रही है। आज 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 21 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम अफगानी महिलाओं और लड़कियों, उनके शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बहुत चिंतित हैं। इसीलिए अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। आम नागरिकों में देश से निकलने की होड़ है। काबुल एयरपोर्ट पर भी लोग यहां से निकलने की आस में भीड़ लगाए बैठे हैं और तालिबानी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, इन्हें काबू में करने की कोशिश में हैं। यहां भारत की फिक्र भी बड़ी है, क्योंकि अभी भी 1600 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान में हैं और उनके रेस्क्यू के लिए दिल्ली मिशन काबुल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन यह कितना कठिन मिशन है, ये काबुल से लौटे भारतीय दल से समझते। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जब जब आंखों के सामने आएंगी, तब तब कलेजा कांप जाएगा। इतिहास याद रखेगा कि जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो रहा था, तब काबुल एयरपोर्ट पर इस तरह से कोहराम मचा था। रनवे पर जान बचाने की होड़ लगी थी, वतन छोड़ने के लिए मौत की दौड़ लगी थी। पुल में बदहवास लोग घर बार छोड़ रहे थे, अपने भी पीछे छूटे जा रहे थे। कोई विमान से लटक रहा था तो कोई विमान से गिरकर दम तोड़ रहा था, और ये तस्वीरें देखकर पूरे हिंदुस्तान का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि जिस मुल्क से ये तस्वीरें आ रही थी वहां सैकड़ों हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, जिन्हें काबुल से बाहर निकालना एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं था। लेकिन भारत ने मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। बद से बदतर स्थिति हो रही थी वहां की, माहौल एकदम खराब हो गया था। भारतवासी जितने भी थे वहां पर, जो दूतावास में मौजूद थे, वो सारे स्वदेश वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। हम यहाँ पे पहुंच गए सही सलामत, मोदी जी को धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे करीब 150 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना के विमान ग्लो मास्टर ने काबुल के उसी रनवे से उड़ान भरी जहां से एक दिन पहले ऐसी सांसें थाम लेने वाली तस्वीर आई थी। तो कोई अमेरिकी विमान पर डैने पर चढ़कर देश की सरहद पार कर लेने के प्रयास में आसमान से टपक पड़ा था, और जिस एयरपोर्ट पर एक दिन बाद भी अफगान महिलाएं अमेरिकी सैनिकों के सामने हेल्प हेल्प की गुहार लगा रही,
ऐसे विषम हालात में भारत के मिशन एयरलिफ्ट की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही देश के प्रधान फिक्रमंद हैं। फिक्र है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द से जल्द वतन वापसी कराने की। और इसी मिशन इम्पॉसिबल की शुरुआत हुई मंगलवार को, जब भारत सरकार अपनी 150 आवाम को काबुल से सुरक्षित निकाल लाई। We continue to ensure that anyone who is stuck there is somehow brought here, for which the Ministry of External Affairs has opened a help desk, which is operating already. तालिबान के कब्जे में जा चुके अफगानिस्तान से लौटना आसान नहीं था। अभी भी वहां के एयरपोर्ट पर रह रहकर गोलियां गूंज रही, हिंसा की खबरें आ रही हैं, और वहां से लौटे भारतीय पत्रकारों ने भी इस सफर की कहानी लौट कर साझा की है। अफगानिस्तान से 150 भारतीयों को लाने वाले आईटीबीपी के कमांडेंट रविकांत गौतम ने जो वहां के 56 घंटों के संघर्ष की कहानी सुनाई, वो दहलाने वाली है। रविकांत ने एक अखबार को बताया है कि भारतीय दूतावास में 15 अगस्त की सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया ही गया था कि बाहर विस्फोट की आवाजें गूंजने लगी। तालिबानी हमसे सिर्फ 50 मीटर दूर थे। हमें पता था कि वो काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब हमारे 2 विमान काबुल एयरबेस पर थे और हमने 46 लोगों के पहले दल को दूतावास से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, लेकिन दूसरे दल के लिए हमें भारतीयों को शहर के अलग अलग जगहों से लिफ्ट करना पड़ा। सोच कर शरीर सिहर उठता है कि शहर पर हथियारबंद तालिबानियों का कब्जा हो तो फिर लोग एयरपोर्ट कैसे पहुंचे होंगे, और जिस एयरपोर्ट पर मौत की रेस लगी हो वहां से एयरलिफ्ट कैसे किया गया होगा। कमांडेंट रविकांत गौतम ने बताया कि दूसरे दल में मैं, राजदूत, 99 कमांडो, 3 महिलाएं, दूतावास स्टाफ शामिल थे। हम 15 अगस्त की शाम ही एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक चेक पॉइंट पर तो हथियारबंद ग्रुप से झड़प हो गई। उन्होंने हवाई फायर किया, रॉकेट लॉन्चर निकाल लिए, हमने भी हथियार तान लिए। लगा आज या तो यहां शहीद होंगे या फिर एयरबेस पर पहुंचेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हालात संभले। दरअसल दूतावास से निकलते ही भारतीय दल को सड़कों पर इस तरह के हथियारबंद तालिबानियों से सामना हुआ, जिन्होंने पूरी सड़क पर कब्जा जमा रखा था। जगह जगह चेक पोस्ट बना रखे थे। एयरपोर्ट की तस्वीरें भी इस मिशन की कठिनाई दिखाती हैं, क्योंकि इंडियन टीम को भी उसी काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी जहां तालिबान से डरे अफगानी वतन छोड़ने के लिए जान तक देने को उतारू थे। बिना वीजा और पासपोर्ट के एयरपोर्ट के रनवे पर भागम भाग कर रहे थे, और इन हालात में तालिबानियों की बंदूकें बेगुनाहों की जान भी ले रही थी। इस सब के बीच काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गई थी। 16 अगस्त 2021 आईटीबीपी के कमांडेंट रविकांत गौतम के मुताबिक 16 अगस्त की शाम तक 4 बार निकलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह हथियारबंद तालिबानी थे। दूतावास से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर ही है। अब सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। रात 10:30 बजे फिर एयरबेस के लिए रवाना हुए। हथियारबंद लोगों को चकमा देते हुए 3:30 बजे एयरबेस पहुंचे, तब राहत की सांस ली। 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो सभी की जान में जान आई, क्योंकि इससे पहले 56 घंटों के संघर्ष के दौरान सभी लोग ना तो सो पाए और ना ही किसी ने खाना खाया। पिछले 3-4 दिन से वहाँ पैनिक था कि ऑल ऑफ अ सडन ऑल चेंजेस हो गई वहाँ पे। फाइनली वी वेयर ऑल्सो इन पैनिक। मेरी बेटी थी, उसको बुखार था, शी वॉज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 204। मैं शुक्रगुजार है इंडियन एयरफोर्स के कि उन्होंने वक्त पे हमें इवैक्यूएट किया। जानकारी के मुताबिक भारतीय दूतावास पर तालिबान की कड़ी नजर थी, इसके लिए अमेरिका के साथ भारत की रणनीति बनी। तब भारतीयों की वापसी हुई। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक तालिबान भारतीय दूतावास पर कब्जा करना चाहता था, कर्मचारियों का सामान तक छीन लिया था, एयरपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया था। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान से बात की। नतीजा ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सुरक्षा में विमान भारत के लिए रवाना हुआ।
यानी बेहद मुश्किल भरे 56 घंटों के बाद करीब 150 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान मंगलवार को हिंदुस्तान पहुंचा और भारत अब इसी हौसले को आगे बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में अभी भी फंसे भारतीयों की वापसी का खाका खींचा जा रहा है, मिशन जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से अभी तक करीब 200 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन ऐसे भारतीयों की संख्या 1600 से ज्यादा है जिन्होंने अफगानिस्तान से लौटने के लिए वीजा का आवेदन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 500 अधिकारी और सिक्योरिटी से जुड़े लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इनमें करीब 300 लोग देहरादून के रहने वाले हैं। ये पूर्व सैनिक हैं जो वहां के यूरोपियन, ब्रिटिश एम्बेसी सहित दूसरी जगहों पर सुरक्षा में तैनात थे। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले भारतीय भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। TV9 भारतवर्ष पर हम लगातार ऐसे लोगों की खबरें दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स जो अफगानिस्तान में फंसा है वो है यूपी के बुलंदशहर का मुकेश, जिसने वीडियो के जरिए पीएम मोदी से रेस्क्यू की गुहार लगाई। इस समय हमें अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से, हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए, हम यहाँ बहुत दिक्कत में। मोदी जी से और जो योगी जी हैं उनके पास तक खबर पहुँचा दो कि हमारे पति जैसे भी हैं, पैसा तो मारा गया तो मारे जा दो, लेकिन जैसे भी हैं जैसे हमारे बच्चों के साथ आ जाएं इंडिया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में पश्चिम बंगाल के भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं जिनके परिवार भारत सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहें गड़ाए बैठे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने में विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम रही है। अब आपको बता दें कि भारत सरकार वहां फंसे 1600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या कुछ कर रही है। ध्यान से देखें आप, अफगानिस्तान से वापसी और दूसरे अनुरोध के लिए एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल की स्थापना की गई है। इसके लिए अलग से फोन नंबर, ईमेल आईडी जारी किए गए हैं। मिशन काबुल को अंजाम देने के लिए दिल्ली में 3 कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान एक भी भारतीय को खरोच नहीं आने का आदेश दिया गया है। सड़क पर मौजूद हथियारबंद तालिबानियों के बीच मिशन को अंजाम दिया गया। अभी तक हुए ऑपरेशन के दौरान प्लेन को दुशांबे में स्टैंड बाय पर रखा गया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने नागरिक और कर्मचारियों को निकालने में लगे हुए हैं। कल हमने आपको ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई जिसमें अमेरिकी वायुसेना की 135 लोगों की कैपेसिटी वाले प्लेन में 800 से ज्यादा लोग बैठे थे। इनमें करीब 650 अफगानी नागरिक थे। मजबूरन इन सभी लोगों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का प्लेन कतर पहुंचा। बहरहाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अब तक 3200 लोगों को बाहर निकाला है। अमेरिका की ओर से कुल 22,000 अफगानी शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और कतर सरकार जल्द ही एक डील साइन कर सकते हैं जिसके तहत करीब 8,000 अफगानी शरणार्थियों को कतर में रुकने दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भी अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर घोषणा की है। ब्रिटेन ने 20,000 अफगान नागरिकों को शरण देने का प्लान बनाया है। अफगान नागरिक पुनर्वास योजना के तहत पहले साल में 5,000 अफगानों को ब्रिटेन में बसाया जाएगा। रेस्क्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 26 लोगों को काबुल से निकाला है। कल काबुल से फ्रांस के पहले विमान ने उड़ान भरी थी जिसमें 21 भारतीय थे जो फ्रांसीसी दूतावास में सुरक्षा में लगे हुए थे। जर्मनी भी अपने नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए वहां अपने 600 सैन्य कर्मियों को भेजेगा। अब फिक्र में जिक्र उस मिस्ट्री की जिससे साबित होगा कि कोई ना कोई देश ऐसा है जो तालिबान का टीचर बना हुआ है, उसके लिबरल चेहरे को दुनिया के सामने लाने की रणनीति बना रहा है और पर्दे के पीछे लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। आज हम उस देश की साजिश का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी। अफगानिस्तान एक जमाने से विदेशी ताकतों के लिए मैदान जंग रहा है जहां वो अपनी ताकत आजमाते रहे। 19वीं सदी में अफगानिस्तान उस ग्रेट गेम का गवाह रहा है जिसमें यहां नियंत्रण के लिए ब्रिटेन और रूस की भीषण दुश्मनी हुई
द ग्रेट गेम 100 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान को नियंत्रित करने के लिए एक अलग तरह का संघर्ष आज भी जारी है, जिसमें सामने से तालिबान दिख रहा है लेकिन पर्दे के पीछे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपना हित साध रही हैं। और ये देश है रूस, चीन और पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर दबदबा कायम करने के लिए तीनों तालिबान के टीचर बन बैठे हैं, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक खेल चीन और पाकिस्तान खेल रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखें। विरोधियों को माफी, महिलाओं को समान अधिकार और आजादी। एक आतंकी संगठन तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दुनिया से यही वादा किया, 1990 के दशक जैसे क्रूर नियम कानून लागू नहीं होंगे, महिलाओं और मीडिया को पूरी आजादी होगी। तालिबान आज दुनिया से वही कह रहा है जो दुनिया सुनना चाहती है। हालांकि दुनिया को तालिबान के इन बयानों पर भले ही भरोसा ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार तालिबान उदार छवि पेश कर रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि नए तालिबान का टीचर कौन है, तालिबान को ये सब कौन सिखा रहा है, क्या चीन पाकिस्तान इसके पीछे हैं? तालिबानियों की रणनीति और बयान देखकर साफ लगता है कि इसके पीछे पूरी सोची समझी प्लानिंग है। चीन पाकिस्तान का खतरनाक खेल है, कैसे, इसे समझिए। जहां तमाम देश काबुल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं, वहीं चीन ने तालिबान से दोस्ती का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हैं जिनके दूतावास अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी न सिर्फ खुले हैं बल्कि पूरी तरह वर्किंग हैं। तालिबान ने भी काबुल में इन दोनों देशों की एम्बेसी की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान से हैरान परेशान लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान का तालिबान के लिए रवैया बेहद दोस्ताना है। तालिबान के कब्जे को अभी 4 दिन का वक्त नहीं हुआ है, फिर भी चीन और पाकिस्तान उसे मान्यता देने के लिए उतावले हो रहे हैं। असल में इसके पीछे का खेल तालिबान के नए टीचर का नाम और पता बताता है। 10 दिन पहले तालिबान नेता मुल्ला बरादर जब एक डेलीगेशन लेकर चीन गए तो विदेश मंत्री वांग यी उनसे मिले थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। वांग यी ने तब तालिबान से कहा था कि तालिबान शांति, रीडेवलपमेंट और रीकंस्ट्रक्शन का एक सिंबल है। ये चौंकाने वाला बयान था क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने तालिबान को शांति दूत नहीं कहा। दरअसल तालिबान को लेकर चीन का ये रवैया किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ड्रैगन मौका परस्ती कर रहा है। चीन के ऐसा करने की वजह है कि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ हुई बर्बरता, तालिबान इससे काफी खफा है। तालिबान सुन्नी संगठन है और शिनजियांग सुन्नी बहुल क्षेत्र, इस लिहाज से उनमें एक भाईचारा है। शिनजियांग में आजादी के लिए उइगर लड़ाके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका ठिकाना पूर्वोत्तर अफगानिस्तान का बदख्शां शहर में है। चीन ने तालिबान को दुनियादारी और कूटनीतिक नफा नुकसान समझाने से पहले ये भरोसा दिया है कि तालिबान चीन के विरोधियों के साथ सहयोग नहीं करेगा। एक्सपर्ट भी चीन तालिबान के इस रोमान से हैरान नहीं। तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी, ISI और पाकिस्तान ही इनका गुरु है और उन्होंने सदा ही इनको फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म सिखाया है। अगर सिखाया है तो टेररिज्म सिखाया है। ऐसा लग रहा है कि चीन और तालिबान को कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा चीन तालिबान का गुरु बनने के लिए तैयार है। हालांकि ये तालिबान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन तालिबान और चीन के खेल में पाकिस्तान भी शामिल है। कैसे, इसे इमरान खान के बयान से समझिए। पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर अपने हित साध रहा है। खबर है कि पाकिस्तान चीन का साथ देते हुए तालिबान को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे काबुल के कब्जे से पहले तक तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के मिलीभगत के कई सबूत सामने आते रहे हैं। अब काबुल पर कब्जे के बाद वही पाकिस्तान तालिबान का गुरु बना हुआ है, सरकार गठन की रणनीति बना रहा है, सरकार चलाने का तौर तरीका सिखा रहा है। याद रहे कि सांप कभी प्यारा नहीं होता है, वो आपको डसेगा ही डसेगा। वो दूर है, उसकी चमक है, उसका ये है, उसका वो है, आपको और आज आ जाएगा, आप इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आप खतरा मुक्त नहीं हो सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते।
तो तालिबान का जो चेहरा आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात करी गई, वो सब बिल्कुल निरर्थक है, बकवास है। उसके झांसे में हमें किसी को नहीं आना चाहिए। अभी चीन और पाकिस्तान भले ही तालिबानियों के साथ स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हालात मुश्किल हो सकते हैं, खास तौर से पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। भविष्य में तालिबान के मसले पर चीन और अमेरिका में तनाव ज्यादा बढ़ा तो बीच में पाकिस्तान फंसेगा और फिर चीन उसका साथ कतई नहीं देगा। सोचने वाली बात है। अफगानिस्तान में तालिबान से चीन पाकिस्तान का खेल खेलना भारी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तालिबान के लिए एक विरोधी गुट लगातार मुसीबत बना हुआ है। इस वक्त अफगानिस्तान का अधिकतर इलाका तालिबान के कब्जे में है, लेकिन इस देश का एक कोना ऐसा भी है जहां जाने से तालिबान भी डरता है। हम बात पंजशीर की कर रहे हैं। उसी पंजशीर ने एक बार फिर तालिबान के खिलाफ अंगड़ाई ली। आज हम आपको बताएंगे कि इस इलाके में हर किसी ने मात खाई है, चाहे वो तालिबान हो, रूस हो या फिर अमेरिका। जमीनी जंग में सभी हारे, क्यों? ये रिपोर्ट देखें आप। ये तस्वीर अफगानिस्तान के उस गढ़ से आई है जहां अब भी तालिबान का कब्जा नहीं है। ये नॉर्दर्न अलायंस के बेखौफ लड़ाके अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बाइक रैली निकाल रहे हैं और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। अफगानिस्तान का ये वही इलाका है जहां सोवियत सेना की भी घुसने की हिम्मत नहीं हुई और इसी इलाके में एक बार फिर तालिबान के खिलाफ हल्ला बोल हुआ है। ये है नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ पंजशीर घाटी, राजधानी काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर। ये घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान काबिज नहीं हो सका। इतना ही नहीं, सोवियत संघ और अमेरिकी सेना ने भी इस इलाके में हवाई हमले ही किए। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कभी भी कोई जमीनी जंग नहीं छेड़ सका। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इसी इलाके से आते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं कभी भी और किसी भी परिस्थिति में तालिबान के आतंकियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर लेजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अपने गढ़ यानी पंजशीर प्रांत से तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर चुके हैं। उनकी एक तस्वीर भी आई है जिसमें सालेह कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह अपने कमांडर अहमद शाह मसूद की जगह ले सकते हैं। उनके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का गुट भी तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह की सेना ने तो कई इलाकों से तालिबान को पीछे भी खदेड़ दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सालेह की सेना ने परवान के चरिकार इलाके से तालिबान को खदेड़ा है। फिलहाल जनरल रशीद दोस्तम सालेह की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ने देश के सभी नेताओं और तालिबान के खिलाफ लड़ रहे सैनिकों से साथ आने की अपील की है। मतलब साफ है, पंजशीर से एक बार फिर इतिहास दोहराया जा सकता है। 2001 में कमांडर अहमद शाह मसूद ने तालिबान को सबसे पहले यहीं से खदेड़ा था। उत्तर मध्य अफगानिस्तान की इस घाटी पर 1970 के दशक में सोवियत संघ या फिर 1990 के दशक में तालिबान ने कभी कब्जा नहीं किया। अहमद शाह मसूद, जिसे अक्सर शेरे पंजशीर कहा जाता है, वो इस इलाके के सबसे बड़े कमांडर थे। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि कोई भी सेना इस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस इलाके में बीच में मैदानी भाग है जहां की भूल भुलैया को समझना तालिबान के लिए आसान नहीं। 1990 के दशक में जब अहमद शाह मसूद ने तालिबान के साथ अपने संघर्ष की शुरुआत की थी, तब भारत भी उनकी मदद करता रहा। कहा जाता है कि एक बार जब अहमद शाह मसूद तालिबान के हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे, तब भारत ने ही उनको एयरलिफ्ट कर तजिकिस्तान के फरफोर एयरबेस पर इलाज दिया था। ये भारत का पहला विदेशी सैन्य बेस है। इसे खासकर नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए ही भारत ने बनाया था। अब अहमद शाह मसूद के उसी गढ़ से एक बार फिर तालिबान के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। यानी ये नहीं समझना चाहिए कि तालिबान को कहीं से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन अफगान का इतिहास है और इतिहास ये कहता है कि हर 10 साल और फिर 20 साल में
पूर्णतः परिवर्तन होता है और कहीं ना कहीं से बगावत होती है। अब यह बगावत यहां से होगी, यह सोचने वाली बात है। इस बीच तालिबान का पुराना रूप भी तेजी से वापस नजर आता दिख रहा है। काबुल में जो तालिबान कैमरों के सामने खुद को बदल जाने का दम भरता है, उसी तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में वैसी ही हैवानियत शुरू कर चुके हैं जैसी 20 साल पहले करते थे। तस्वीरें देखिए आप जरा, जो तालिबान का असली चेहरा उजागर करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि एक मुल्क पर हैवानों ने कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें जलालाबाद की बताई जा रही हैं, जहां एक शख्स के सीने पर कूद कूद कर उसे मारने की कोशिश की जा रही है। ये करने वाला तालिबानी है और उनका शिकार बनने वाले अफगानिस्तान के वो जर्नलिस्ट हैं जो विदेशी मीडिया संस्थानों के साथ जुड़े थे। ये तस्वीरें भी जलालाबाद की हैं, जहां अफगानियों ने तालिबानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, अफगान का झंडा लेकर गए, अफगानिस्तान का राष्ट्रध्वज फहराया गया और उसी झंडे को लेकर रैली निकाली और तालिबानी लड़ाकों ने यहां उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 3 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कई घायल हो गए। ये सब उस जलालाबाद में हुआ जो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, जहां से पाकिस्तानी दहशतगर्द तालिबानियों की मदद के लिए आते थे और अब कब्जा होने के बाद पूरे इलाके में तालिबानियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी आम लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और लश्कर ए जंगवी ने काबुल सहित अन्य कई शहरों में जगह जगह अपने चेक पोस्ट स्थापित कर लिए हैं। इन चेक पोस्ट के जरिए आतंकी संगठनों का इरादा जिहाद के नाम पर जबरन पैसे की गुवाही करना है। ये गांव गांव जाकर बंदूक के बल पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक और तालिबानी लोगों को डरा रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बहु बेटियों को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर काबुल से तालिबानी ये मैसेज देने की कोशिश में है कि सब ठीक है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। लेकिन ये सब तालिबान के उस प्रोपोगंडा का हिस्सा है जिसका मकसद सत्ता चलाने के लिए दुनिया का समर्थन हासिल करना है। हकीकत यह है कि तालिबान बदल जाने का दावा भले ही कर रहा हो, लेकिन महिलाओं को लेकर उसका जो जालिम रवैया है वो बदला नहीं। ये अफगानिस्तान के नरकिस्तान में तब्दील हो जाने का चीखता हुआ प्रमाण है। पठानलैंड में दर्दनाक और दहला देने वाली तस्वीरों का विश्लेषण करने से पहले आपका तालिबानी सिक्के के दोनों पहलू समझना जरूरी है, जिससे एक तरफ सत्ता के लिए अमन की सियासत वाली नौटंकी है और दूसरी ओर उसका हैवान वाला रूप है। ये चीख, ये मदद की गुहार एक महिला उसी जहन्नुम से बाहर निकालने के लिए लगा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसके पास आखिरी मौका है तालिबानी दरिंदों से बचने का, जो गिद्धों की तरह महिलाओं को नोचने के लिए काबुल से लेकर दूर दराज तक के इलाकों में घूम रहे हैं। ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट का है, जहां अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। उस भीड़ में ये महिला भी थी और सुरक्षा बलों के आगे रो रो कर मिन्नतें करने लगी, मदद मांगने लगी। हालांकि तालिबानी इस कोशिश में लगे हैं और दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि सब ठीक है, अधिकारों का गला घोटने का काम भी शुरू हो गया, जिसकी तस्दीक काबुल में एक दीवार पर महिलाओं की तस्वीरों को पेंट से ढकने की एक कवायद कर रही है। तालिबान के शरिया कानून के ऐलान के बाद खौफजदा दुकानदार अपनी दुकानों पर उन विज्ञापनों को पेंट कर रहे हैं जिनमें महिलाएं नजर आ रही हैं। एक ओर काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं की तस्वीरों और पोस्टरों को हटाया जा रहा है, दूसरी ओर महिलाओं को बुरके में कैद किया जा रहा है। तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान के शहरों में बुरके की बिक्री तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि तालिबानी जल्लादों से बचना है तो बुरका पहनना ही होगा, वरना खौफनाक सजा भुगतनी होगी। मतलब यह कि आजादी से जीने वाली अफगानी औरतों की जिंदगी एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी है। इसे बताया है एक ईरानी फोटोग्राफर ने, इसमें महिला की 3 पीढ़ियों को बुरके के अंधेरे में गायब होते दिखाया गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान से हर महिला खौफजदा है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी तादाद बहुत कम है और उनमें से चंद महिलाएं हैं जो आपके सामने हैं। काबुल में जब ये महिलाएं तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो उनके सामने हथियारबंद तालिबानी लड़ाके खड़े थे, उन्हें घर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन इन महिलाओं ने कहा कि उन्हें पढ़ने और काम करने की आज़ादी चाहिए, सियासत में हिस्सेदारी चाहिए। या एक देश की सोच, क्योंकि इस ऐसी घटना दशकों से किसी ने नहीं सुनी होगी। फिक्र यह है कि महिलाओं के साथ तालिबान जो कर रहा है वही पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है, और अगर ये वीडियो देखकर आपका खून नहीं खोला तो खून नहीं उसे पानी समझे। हम ये नहीं गिनाना चाहते हैं कि दुनिया में कितने विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी टॉप की विमेन एक्टिविस्ट हैं, या फिर दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कितने तरह के संगठन और गठबंधन बने हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं। यह आधी आबादी की फिक्र है जो खतरनाक भविष्य का इशारा कर रही है, और दुनिया को सिर्फ तथाकथित परमाणु बम का जखीरा इकट्ठा करने वाले या केमिकल वेपन बनाने वाले देशों पर ही बैन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जिस मुल्क में आधी आबादी से ऐसी बदसलूकी हो रही हो उसको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। NBF यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक अहम मुलाकात की। देश में ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी संस्था NBF की तरफ से इस मीटिंग में संस्था के गवर्निंग बोर्ड मेंबर और सीनियर मेंबर शामिल हुए। इस बैठक में न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े कई अहम मुद्दों पर और हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के सामने पैदा हुई चुनौतियों को लेकर बातचीत हुई है। बैठक के दौरान NBF ने व्यूअरशिप रेटिंग्स को फिर से बहाल करने की जरूरतों पर जोर दिया। NBF ने कहा कि रेटिंग्स को एक तरफा रोक दिया गया है जिसका न्यूज चैनलों पर असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। TV9 नेटवर्क के ग्रुप CEO और NBF के वाइस प्रेसिडेंट वरुण दास ने कहा कि टीवी न्यूज के क्षेत्र में अभी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है और ऐसे में नए चैनलों के लिए उपयुक्त अवसरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नए चैनलों को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयासों की जरूरत है। वरुण दास ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में हमें इन सभी बातों पर आश्वासन मिला है। NBF के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अर्णब गोस्वामी ने उम्मीद जताई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को और मजबूत बनाया जाएगा। ITV नेटवर्क के प्रमोटर और NBF के वाइस प्रेसिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सभी न्यूज चैनलों के विचार सुने, वो इसके लिए उनका शुक्रिया करते हैं। और अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को दी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में पाम ऑयल के उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनने की योजना पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, गेम चेंजर साबित होगा मिशन, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार को होगा बंपर फायदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। आज 2 करोड़ लोगों के उपचार का आंकड़ा हुआ पार, गरीबों को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ फायदा। देश को मिल सकती है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश की है। CJI NV रमना की नाराजगी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आधिकारिक बयान, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। तू कौन? मैं खामखा। ये खामखा वाले खां भी खामखा ही नहीं होते, सब सोच समझ कर करते हैं। डब्लू भैया न जाने मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक टीवी पर खबर आई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना नुमानी ने कहा है कि मैं तालिबान को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। जिस काम के लिए न जाने कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी वो काम पूरा हुआ। डब्लू बोले, अरे हम सुने रहे कल कौनो बर्फ वाले भी ऐसा ही बोले थे। मैंने कहा, नहीं बर्फ बर्फ नहीं, बर्क सांसद हैं। बोले हाँ वही बर्क, इनकी तालिबान के लिए मोहब्बत के साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहाँ से फ्लाइट्स खाली जा रही, भेज दो इनको, जाके गले मिल मिल के बधाई दे दे, और अगर दिल चाहे तो वहीं रह जाएं। मैंने कहा, नहीं खाना यहाँ का है, पीना यहाँ का है, घर यहाँ बना हुआ है, वहाँ कैसे रह सकते हैं। बोले तो लौटने में तो कोई परेशानी है या नहीं, जाने में देर लग सकती है, आने में तो वहाँ गायब यहाँ हाजिर, जब मन करे अपने तालिबानी दोस्तों को बोल दें, वो पलक झपकने से पहले उनको लॉन्चर से वापस भिजवा देंगे। अरे मैंने कहा छोड़िए ना, ये बताइए वो खामखा वाली कहानी क्या थी? बाकी तो जो है
सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।